भाजपा नेता एवं नगर पालिका परिषद में चार बार से प्रतिनिधित्व कर रहे तोषमणि पंथी ने भाजपा से अपना इस्तीफा दे दिया है और अब पंथी सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तोषमणि पंथी ने एशियन भारत के संवाददाता से खास चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का गलत रवैया एवं दलितों का शोषण होने के कारण इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। चौंकाने वाला मामला यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तोषमणि पंथी जो लगभग चार वर्ष से पार्षद ही जीतते चले आ रहे हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है राजनीति में अपने आप को अनुभव करते हुए और कई जनता के काम कराते रहते हैं, लेकिन सूचना ये मिली है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब पार्टी क्यों छोड़ी है इस विषय में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तोषमणि पंथी जी, पार्षद कन्ना भैया, सीधी हम बातचीत करेंगे उनसे। कन्ना भैया, क्या कारण रहा पार्टी छोड़ने का? पार्टी छोड़ने का कारण ये रहा मेरा, एक तो मैं लगभग चार बार से मैं और मेरी पत्नी पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से। मेरे वार्ड में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रचार करने नहीं आता, स्वयं अपनी दम पे चुनाव लड़ता हूँ और 1984 से 1994 तक मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहे। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा और मेरी पत्नी का किसी भी मोर्चे में किसी भी उसमें संगठन में नाम नहीं है। जहाँ तक है कि नगर मंडल की कार्यकारिणी जो होती है उनमें हमारा नाम नहीं है, तो अब हम जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह कब मिलेगी? कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये राजनीति चमकाने के लिए आप निर्दलीय या पर पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए, राजनीति चमकाने के लिए खड़ा नहीं हुआ मैं, चुनाव जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस बार सिरोंज लटेरी विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी हारने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी का हाथी जो मुझे मिला है, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, हमारे सभी लोगों ने जो हीरे की कदर जोरी जानता उनको मालूम था कि मैं जीतने वाला प्रत्याशी हूँ, उन्होंने मुझ पर दाव लगाया और मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। सिरोंज की गरीब मजदूर शोषित वंचित लोग जिनका मैं बरसों से काम करता हूँ उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उन सबका आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है, खास तौर पे मुस्लिम समाज, सभी समाजों का। और मैं तो सभी समाजों से ये भी कहना चाहता हूँ जो पिछड़ी जाति में आते हैं, पिछड़े वर्ग में, उनको भी मेरा सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने विदिशा जिले में कहीं भी एक टिकट नहीं दिया, उनका अपमान किया है, इस बार उन सबको मेरे साथ हो जाना चाहिए और भारी बहुमत से मुझे जिताएं। मैं शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। मैं सड़क छाप नेता हूं, गली गली में घूमता हूं। मुझे आज भी मालूम है कितने मोहल्लों में नाली नहीं बनी, कितने नल लीकेज हैं, कहां से पानी निकल रहा है, कहां पर सड़क ख़राब है, मैं सब मेरी निगाह में है। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सिरोंज की जनता को ऐसा काम करके दिखाऊँगा जो आज तक सिरोंज के इतिहास में नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले तो आप भाजपा की बहुत तारीफ करते थे, एकदम चले गए, क्या बिल्कुल चुनावी स्टैंड नहीं है आपका, कोई मनाने नहीं आया आपको पार्टी का बड़ा नेता कोई? देखिए, मैं भाजपा की कई वर्षों से मन को उसको रख के झूठी तारीफ करना पड़ रही थी कि वो पार्टी में थे, कहाँ तक झूठ बोलें आप बताइए, शहर में क्या विकास हुआ? हम लोग, मैं पार्षद हूँ, मेरी पत्नी पार्षद है, तो हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं, हम लोग मन लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पता चलता है विधायक जी भूमि पूजन कर रहे हैं, किसी नाम किसी का हो रहा है, काम किसी का हो रहा है, कब तक हम लोग ऐसे सहन करें? हम भी संघर्ष करते हैं, हमारी भी जो है मान सम्मान की लड़ाई है, हमको कोई पैसा तो चाहिए नहीं। आप बताइए, अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के लिए सिरोंज में नगर पालिका में कांग्रेस की भी नगर पालिका रही, बीजेपी की नगर पालिका चार बार से, चारों बार से मैं पार्षद बन के आ रहा हूँ मैं और मेरी पत्नी। क्या अनुसूचित जाति मुस्लिम वर्ग के लिए कहीं कोई जगह नहीं है? हमारे मरहूम मोहम्मद मियाँ साहब चार बार पार्षद का चुनाव जीते, एक बार हारे, पांच बार, उनकी अंतिम इच्छा थी, उनको दो बार अटैक आ चुका था, उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा है, मैं खुद स्वयं मौजूद था, लक्ष्मीकांत जी पूर्व मंत्री जब जीवित थे उनके पास हम गए, उमाकांत जी भी थे, कि साहब मुझे एक मौका दे दो, मेरे बच्चों का नाम, मेरा नाम अमर हो जाएगा, लेकिन जो पार्टी में कभी भी दलित वर्ग के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए कोई जगह नहीं है, केवल यूज़ किया जाता है, हमें भी बेवकूफ़ बनाते हैं। अब लेकिन हम मैदान में, अब हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी,
इस बार दोनों को वापस पवेलियन भेजाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों को मुंह की खाना पड़ेगी और हाथी निकलकर सीधा विधानसभा पहुंचने वाला है। ये इतिहास होगा चरोंज का। जिस तरह से पार्षद तोषमणि पंती का दर्द झलका है अपनी पार्टी के लिए, उससे ये जाहिर होता है कि कई दिन से इनका दर्द भर रहा था, जो सीने में ये दबाए रखे हुए थे। विधानसभा चुनाव करीब आते ही इन्होंने पार्टी छोड़ दिए। अब देखना ये होगा इनके खड़े होने से किस पार्टी को फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, या हाथी विधानसभा तक पहुंच पाता है। कैमरा मुस्तफ़ा शेख के साथ मैं अब्दुल अलीम, SN12 सरौंज।